कहने को तो शिवराज मामा बड़े बड़े वादे मंच से करते हैं, लेकिन उन वादों की हकीकत जब सामने आई, जब एक लाडली मामा के मंच के सामने रोते नजर आई। लड़की का कहना था कि मैं 5 साल से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, ना अधिकारी मेरे सुनते हैं, ना तो नेता और ना ही सरपंच सचिव। मामा की भांजी को चाहिए एजुकेशन लोन, भांजी के पास ना तो रहने के लिए छत है, ना तो पढ़ाई के लिए पैसे। इसलिए वह मुलताई से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों ने मामा तक भी पहुंचने नहीं दिया। फिर तो क्या ही था, भांजी के रो रो के बुरे हाल हो गए। फिर भांजी ने आप बीती मीडिया के सामने बताई। सर, मैंने 2018-19 में BSc नर्सिंग कॉलेज छिंदवाड़ा में एडमिशन लिया था, जिसके लिए मेरे को 4.5 लाख का लोन चाहिए था। जब मैं लोन लेने कैबिनेट मंत्री पांसे जी के पास में गई तो बोल रहे थे कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम कॉलेज जाओ। उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। उसके बाद में मैं बैतूल कलेक्टर सर के पास में गई 2019 में, तो बोलते हैं कि पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी, मैं तुम्हारा लोन पास नहीं कराऊँगा। उसके बाद में मैं फिर कैबिनेट मंत्री के पास में गई, तो उन्होंने भी मेरे उस जवाब का कोई जवाब नहीं दिया। सर, मैं 5 साल से परेशान हूँ, ना मेरे घर पर रहने के लिए घर है, रोड के किनारे झोपड़ी में रहती हूँ, कोई मदद नहीं करता, ना सरपंच करता है, ना सचिव करता है। सचिव को बोलते मदद करो तो सचिव बोलते कि सब काम छोड़ के तुम्हारे घर पे आ जाए क्या। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, मेरा पूरा करियर खराब हो गया 5 साल से। मैं CM सर से मिलने के लिए आई थी। सर, मिलने दिया गया CM साहब से? सर, दो में मेरा फॉर्म ले लिया, सर बोले मोबाइल नंबर डाल दो, तो पुलिस वालों ने मेरे को हटा दिया। क्या बोला पुलिस वालों ने आपको? बाद में मिलना, मेरे को जाने भी नहीं दिया उनके पास में। बोले जब तुम अभी ऐसी बोल रही हो यहाँ, तो सर के पास में जाके कैसी बोलूंगी। सर, मेरे साथ में जो हुआ वो तो मैं बोलूंगी ना, क्या करूंगी, इतना गुजरा है हम लोगों पे, मेरे पापा से काम नहीं होता, पैर टूट गया, कहाँ पर जाए, हम लोग मर जाए क्या। भटक रहे हैं सर, 2017 से भटक रही हूँ, आज 2022 चल रहा है, कोई भी नहीं सुनता। किसी मीडिया वालों के पास में जाओ तो बोलते हैं कि पांसे जी के पास में जाओ, पांसे जी सुनेंगे जब हम मीडिया में देंगे। मीडिया वाले भी ऐसे हो गए मुलताई के कि कोई भी हमारी मदद नहीं करता। क्या मांगे आप? मुझे रहने के लिए मकान चाहिए और पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, ताकि मेरा करियर अच्छा हो सके। जो मेरे साथ 5 साल से हो रहा है ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरे 5 साल वापस ला देगी क्या कोई सरकार? आप कहाँ मुलताई से छिंदवाड़ा आज CM से मिलने आई? कुमारी मीना चौकी कर। दोस्तों, न्यूज चेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।